आपको मंजिल के करीब पहुंचने के लिए ये जाहिर करना है कि आपका ये कंधा उतर चुका है। सुनिए, तुमने शॉन का पता नहीं किया? एक्शन इतना माइंड ब्लोइंग था ना सैम, तुम भी वहां होती तो सब भूल जाती। तेरा प्लान अच्छा था, बस टाइमिंग जरा आउट हो गए। कुछ बड़ा सो, मुझे लगता है मेरी वजह से जरा देर हो रही है उनको। एंजॉय, वैसे तू याद बड़ा है। ओए अनक, मेरी जैसी किधर से ले आया तू? हां बहुत सी मैंने रास्ते से लिए, मैंने कहा सूरज है, लंबा सफर है, 50 रुपए की लिए सिर्फ। मेरा तो 500 गया मैं। वैसे आप क्या अंकल मुशर्रफ से मिलने आए या मुन्नी आपा से? वो एक्चुअली मैं और मुनीजा, आई मीन मैं मुन्नी का लॉस्ट फ्रेंड हूँ। मेरे को ये जगह बड़ी अच्छी लग रही है वैसे। हाँ, ये बड़ा पुराना रेस्ट हाउस है, मैं पहले भी यहाँ पे कुछ दफा आ चुका। अच्छा, यहाँ पे रुकते हैं थोड़ी देर, फिर आगे निकलते हैं। सही है, मैंने मैप पे देखा है वो लोग यहाँ से ज्यादा दूर नहीं ठहरे हुए। वी कैन मीट देम, करीब है यहाँ से। अच्छा, वाह जी वाह, समिया बेटी जो है ये शरीर बच्ची। ओए बी केयरफुल, नजर नहीं आता मुन्नी। हाँ, व्हाट आर यू? मजूनी अंदर ही है। तो तेरी की। बी केयरफुल मुशर्रफ भाई, नजर नहीं आता, देखकर चले। आ गया था। पत्थर। यहाँ कोई पत्थर नहीं है। ओए मैं जो कह रहा हूँ है, पौड़ी पत्थर नहीं, पत्थर की बनी है। मुशर्रफ भाई। वेल, हमें एक साफ सुथरे कमरे की तलाश थी, सो वो हमें मिल गया है। शुक्र है मीर भाई कि इस सीजन में भी एक वीआईपी डबल बेड लग्जरी रूम हमें मिल गया, वरना आजकल के सीजन में तो बहुत मुश्किल होता है। हाँ ये तो है। वो काउंटर पे कह दिया हमारा सामान भेज दे। हाँ वो बेल बॉय ला रहा है थोड़ी देर में। ऐसा करते हैं कि वो आ जाए तो फिर चेंज करके निकलते हैं। ऑलराइट, फ्रेश हो जाए। हैं डन। ओ मुन्नी, देख क्या मंजर है मान से। अमेजिंग है। हाँ? ओ चले मीर भाई। क्या हुआ? लेट्स गो। हुआ क्या? मैं आपको रास्ते में बताता हूँ। अरे चाय पिएंगे। आइए आइए अमीर भाई। शॉन, आर यू श्योर के वो लोग यहीं करीब ही हैं कहीं? जी अमीर भाई, मैंने अभी मैप से चेक किया है, मैप तो ये बताता है कि दिस इज द क्लोजेस्ट स्पॉट। मगरमच्छ इज वेटिंग फॉर यू ओवर देयर। ये जो दूर से लड़का आ रहा है, ये मुझे शॉन जैसा लग रहा है। शॉन नहीं है, शॉन किस तरह हो सकता है? बेवकूफ, शॉन जैसा नहीं, शॉन ही है। शॉन नहीं है बाबा, आप शर्त लगा लें। ये चलो शर्त लगा लो, तुम खाने खाने की शर्त। आरो ही आरो। I'm sorry अंकल, लेकिन ये शॉन ही है। ओए चांद सूरज एक हो सकता है, मैं गलत नहीं इस बात में, हो सकता है ये शॉन नहीं है। हाँ ना, तजर्बाकारी में तुम शर्त हार जाओगे। ले आ गया, शॉन ही है। लो हाय हाय, ये तो बिचों शॉन ही निकला है अभी। Exactly. इसने ये ऐसा शान है जिसने हमें परेशान कर दिया। हाँ जी, शर्तरबाजी हमें। हैं अंकल, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम्हारे मुंडे को, तुम्हारा तो मुंडा उतरा हुआ था, तुम वो एक्चुअली अंकल मैं डॉक्टर के पास गया था। हाँ, उन्होंने कहा कि अब ये बिल्कुल ठीक हो गया, मैंने रिमूव कर दिया। हाँ, और मैंने कहा आप लोग ज्वाइन करता हूँ। कैसे जैक? जैक ठीक है। अंकल इनसे मिलिए, ये मेरे पुराने दोस्त हैं, अमीर अली साहब। ये एक हफ्ता पहले ही यूएसए आए हैं, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल और स्पेयर पार्ट्स का काम करें। मैंने कहा अंकल मुशर्रफ से बेहतर ये बात आपको कोई नहीं समझा सकता और गाइड कर सकता, तो इसीलिए मैं इनको यहाँ पे ले आया। अस्सलाम वालेकुम मुशर्रफ साहब, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। हमारी बच्ची है ये समिया। ये हमारा, इनका दोस्त है, हमारा भी बच्चा है, बस चीता है, चीता जाक। ये हमारी बहन है जी छोटी। हाँ मुनीजा, प्यार में हम सारे इसको मुन्नी मुन्नी कहते हैं।
स्पेयर पार्ट तो मैं खुद भी, स्पेयर पार्ट का भी मेरा कारोबार है बड़ा, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप अभी हैं ना यहाँ? जी अभी कुछ दिन है। कुछ दिन है, चले। यही कहा कि अंकल से बेहतर इस इंडस्ट्री को कोई नहीं समझता। आए अंदर, आए अंदर, आए बैठे। लेकिन वो सामने गेस्ट हाउस में हमारी गाड़ी और सामान, वो सामने है, वो अभी वो सामने से नहीं आगे किस किस फिक्र ना करें, सामने ही रहेगा, जाता नहीं है यहाँ, कोई चीज जाती नहीं। आए ना अंदर, आए शाबे से, आए 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 आए। वैसे सैम, मुझे शॉन की बात पे बिल्कुल यकीन नहीं है, स्टोरी लग रही है मुझे तो। जो भी है जूनी, अंकल हैं बड़े ग्रेसफुल। हाँ वैसे ये तो है। शॉन यू आर डन, अब तो देख मैं तेरे साथ करता क्या। फिर सफर तो सफर ही होता है ना, जितना भी आराम दे हो, जो मर्जी हो, सोने दो बेचारी को। लो अमीर अली साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है, खास तौर पे ट्रैक्टरों के स्पेयर पार्ट्स में, आप सोच नहीं सकते कि कितना मुनाफा है। वजह ये है कि ज़रई मईशत है और ट्रैक्टर जो है वो किसान की ज़रूरत है, और फिर वो ट्रैक्टर को किस किस तरह के इस्तेमाल में लाता है, ये आपकी सोच है। डिटेल में आपको बताऊंगा लंच के टाइम पे, फिलहाल तो मैंने अपने जरा वो पीर साईं को मिलने जाना है। अंकल अगर आप पीर साईं से मिलने जा रहे हैं तो हमें भी साथ लेके जाइएगा ना, हमें बहुत शौक है उनसे मिलने का। हम कौन है? मैं और तू। शॉन चलो फिर, हम दम, हम इकट्ठे चलेंगे पीर साईं के पास। डन है। बरखुरदार, इसे अपने वॉलेट में रखना, इंशाल्लाह हर काम में बेहतरी होगी। मैं? जी। पी साहब ये क्या एटीएम कार्ड है? वेल सेड। अच्छा तुम्हारा क्या मसला है? मेरा मसला? मेरा तो कोई मसला नहीं। बरखुरदार, तुम्हारा कोई मसला नहीं, यही तो तुम्हारा मसला है। या खैर, अब तुम दोनों मुंडे बाहर जाओ, मैं पीर साहब से बात कर लूं। ओके अंकल मोश, गुड लक। थैंक यू जी। पीजा मुशरफ, तुम्हारी शख्सियत और हालात के पेश नज़र तुम्हें एक कॉलोनी डेवलप करनी चाहिए, वहीं से तुम्हें काफ़ी फ़ायदा होगा। ये बात तो मुझे जैक ने भी कही थी, इसका मतलब है जैक का कंप्यूटर जो है उसको ठीक बातें बताता है। दूसरा, तुम्हारा बिजनेस पार्टनर वो होगा जो काफ़ी अरसे के बाद तुम्हारी ज़िंदगी में आया। मुझे नज़र आता है कि बिज़नेस के साथ साथ उसके साथ तुम्हारी रिश्तेदारी भी बन जाएगी, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। समझ गया, इसका मतलब है कि पीर साई का इशारा जो है वह हाजी साहब की तरफ है। मैं हाजी हाजी साहब से बात करता हूँ। जीप कौन ड्राइव करेगा? ऑफ कोर्स मैं ड्राइव करूँगा। May I ask, dude, why? चल तुझे थोड़े क्लूज दे देता हूँ। याद है लास्ट टाइम जब मैं रेस लगाई थी, हाइट पार्क, ब्रिटनी? मुझे पता है तू हाइट पार्क रेस की बात कर रहा है यार, वो तो मेरा टायर बस कर गया था, वरना यू नो कौन जीता। वो वट है, जीता कौन था? मैं। एंड देन वी डिसाइडेड कि नेक्स्ट टाइम जब भी रेस होगी तो ड्राइव मैं करूँगा और तू मेरी साथ वाली सीट पर बैठेगा। नहीं याद आ रहा तो मिलाऊं ब्रिटनी को फोन। चल अच्छा, तू खुश हो जा यार, तू कर ले ड्राइव, मुझे इससे कोई इशू नहीं, मैं जूनी के साथ बैठ के वीडियो बना लूंगा।
यू एंड योर चीप वेज। स्टैंड किधर लगाएगा? बॉस वहीं जहाँ लगता है ये इधर लगेगा। हैं? यहाँ पे। किधर? यहाँ पे। बहुत ही दरख्त है। ना ना, तू पिछली बार इधर तूने लगाया, उतो लाके वो चिड़िया शिड़िया पता नहीं क्या परिंदे थे बिठे कर रहे थे उसमें। अब नहीं आएंगे ना बॉस, यहाँ से रास्ता है ना अंदर जाने का, तो यही लगाऊंगा। अच्छा ठीक है, बता लोग आराम से आगे पीछे जाए। गोश्त का क्या किया मुझे ये बता। इधर आ, आगे आ, मुड़ मुड़ के मैं तुझे बात कर रहा हूँ। धुल गए? धुल गए? और धुल नहीं किया, कीमे के लिए अलग किया, बोटियों के लिए अलग किया, तिक्के के लिए अलग किया, किया है कि नहीं किया? वो सब अंदर कर रहे हैं काम। काम कर रहे हैं। चाह का क्या इंतजाम किया? चाह का क्या इंतजाम किया है? पिछली बार तुमने चाह बनाई थी उसमें मिठा बहुत ज्यादा पड़ गया था। मैंने नहीं डाला। लोगों को, मेहमानों को बैठे बैठे शुगर हो गई थी। की हुआ ऐसी? आज काम है बॉस, आज नहीं काम। नहीं अलहदा अलहदा नहीं करवानी। मैं अलहदा नहीं करवानी जो तू कह रहा था कि अलहदा मिठा पाएंगे। नहीं नहीं, दो माह मंगवा, एक मिठे का पहले से मिक्स हो। चमचियां शमचियां नहीं लोग लपते रहेंगे। एक नमकीन मंगवा, अलहदा माम मंगवा। बॉस आपने खुद कहा था सेपरेट बनवानी है चाय। बोतलों के वो क्रेट कितने आ रहे हैं? बॉस पांच क्रेट। पांच? इन्हीं बोतलों का हम क्या करेंगे? पंच का चक्की 36 उसमें बोतलें होती है। किधर जा रहा है काफला? बाबा जा जा के गोश जा के। तो किधर जा रहा है ये काम? बाबा मौसम बहुत अच्छा है, हमने सोचा हम जरा बाहर चलें कहीं, आप भी चलें। और नहीं नहीं नहीं, मैं किथे जाना यार, मेरा तो गोड़ा मुझे तंग कर रहा है कल का। तो बाबा हमने कौन सा पैदल जाना है, जीप पे जा रहे हैं चलें। ओ बाबा क्या बात कर रहे हो, मैंने इधर पूरा बारबेक्यू का इंतजाम करना है, मैंने ये कर दिया, उसके ऊपर छोड़ दिया अर्शद के ऊपर, वो तो निरा निकम्मा है। जीप कौन चला रहा है? वो अंकल लाइए मैं। ना 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 ना, तेरे इसका तो मुंडा वैसे ही गिरता रहता है। मैं चला लूंगा। हाँ ठीक है, ख्याल रखी, लेकिन वहाँ बग्याड़ होते हैं अंकल चीते। मेरे लिए साहब आप किधर जा रहे हैं? आप तो यहाँ बैठे हैं यार, आप बच्चों को जाने दें, आप यहाँ बैठे हैं यार, हम बिजनेस कारोबार की बातें करेंगे। वो जी वो मैं बैठो 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 बैठो, ऐसे ताड़ा भी गोड़ा बाहर निकल आएगा। जाओ बैठो बैठो। ओके स्टे, चले आए मुनि, आप तो चलिए ना। हाँ, मैं, लो मुन्नी को छींके आ रही है तो मुन्नी जाए और बेड़ा गर्क होगा। हाँ मुशर्रफ भाई, वो एकदम से फ्लू हो रहा है। आप रेस्ट करें, रेस्ट लो। हाँ और ज्यादा मौसम, मौसम आपको मैं बता दूं, आप भी बैठो, आप लोग जाओ। मैं तो फिर आप नहीं आ रही? मजबूरी है। ओके बाय, ठीक है अंकल मुशर्रफ, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम। जशंदा सुशंदा मंगवाइए जी, आप कहना उसे अर्शद। अर्शद जी बॉस। ओए मुन्नी आपा के लिए कुछ शानदार शानदार कर। अच्छा तो तू क्या कर रहा है ऊपर? बॉस वो मटन चॉम्प्स धो रहा था। तूने अभी तो कहा कि तोइए की तो की कर रहे हो? उसमें मिट्टी आ गई थी पड़ी पड़ी, वो मैंने कहा पड़ी रहेंगी, मैं एक बार फिर धो लूं। चल फिर चल, तो जा जल्दी कर। जो शानदार और जो शानदार जाके तैयार करी जी, जो शानदार तैयार करी है मैं मंगवा रहा हूँ। हाँ जा और बह जाएं आप यार, मुझे आप लगवा देंगे। अच्छू हो रहे हैं मेरे सिर के ऊपर, आप इधर तो बैठे ना बेबी। Let's go guys. आगे मैं बैठूंगी, मुझे अपनी वीडियो बनानी है। ओके तो पीछे ज्यादा अच्छा व्यू मिलता है। नहीं All set. Let's लेकिन go. हम जा किधर रहे हैं? एक अमेजिंग जर्नी। अमेजिंग कैसे है? I don't know. मेरी इंस्टिंक्ट कह रही है कि बहुत मजा आएगा। और मेरी कह रही है कि यहाँ से तो चलो यार। अच्छा जी अमीर अली साहब, आप माशाल्लाह अमेरिका में रहते हैं जी, आप तो दुनिया की इकलौती सुपर पावर है अमेरिका। बिल्कुल। तो वहाँ आपका क्या मतलब है, बड़ी सोसाइटी है, कोई शुगर शुगर रहता है? खास नहीं मुशर्रफ भाई, बस रूटीन लाइफ है, घर है और काम है। जाने दो यार रूटीन लाइफ, तो पाकिस्तान में भी है तो अमरीका जाके रूटीन लाइफ गुजारनी से फायदा, शुगर शुगर क्या है? मैं कोई इतना सोशल नहीं हूँ। मतलब फिर हम नहीं जाते? तन्हाई पसंद हूँ, कुछ चंद एक दोस्त हैं, मगर तन्हाई में तो फिर बंदा वटाफट को बार शार होना चाहिए। नहीं मैं एक्चुअली आई डोंट लाइक अल्कोहल्स और तो अमीर अली साहब, तुम अमेरिका में रहते हो जी,
सोशल लाइफ आपकी नहीं है, घर में बार शार आपने नहीं रखा हुआ है, सोसाइटी आप नहीं लाइक करते, तो फिर आप अमेरिका क्या कर रहे हैं ईमान से? आपको तो फिर सऊदी अरब होना चाहिए। वेरी राइट। हाँ जी, सऊदी अरब तो पिछले ज्यादा तो लोग पाकिस्तान में ईमान से करते। बहुत फिर सू जुमे दिन नमाज पढ़ाई। बिल्कुल आई। ओके, सब कोई फनी पोज बनाओ, मैं पिक्चर खींचने लगी हूँ। शॉन, ये कहाँ से फनी है? एक सेकंड, ये ट्राई करो, इधर आओ। ये यू यू और ये यू। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, सपोज। ओके रेडी। वो देखे देखे क्या हुआ? क्या यार वो, ये क्या है? सैम कीड़ा है, चलो यहाँ से, चलो शान आ जाओ। वैसे सैम, यू सच अ ब्रेव गर्ल। आई नो। लाओ तुम्हारी कहीं। हाँ चलो। हाँ? डन। इधर जीप के पास आओ ना। यहाँ से ही। चलो यार चलो। यही यही। जैक तुम इधर आओ। ये जगह वैसे बहुत जबरदस्त है। क्या जबरदस्त जगह, ऐसी जगह पाकिस्तान में कहीं? पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क है, बस बड़ा खूबसूरत मुल्क। I need help. आजो 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 यार, let's go. Zack. बैठ जा यार, सर्कस में आया भाई क्या? लो जी अमीर अली साहब। यार वॉक कर करके ना घोड़े में दर्द हो गया। आपके घुटने में? हाँ यार, वो आदत नहीं रही है अमीर अली साहब उस तरह वॉक करने की जितना मैं करता था। मैं पूरी पूरी पहाड़ी वॉक कर जाता था, मैं सबसे तेज हूँ। खैर मैं आपको बता रहा था जनाब कि अब आप जानते ही होंगे कि पाकिस्तान जो है ना उसकी ज़रई मीशत, समझे आप, वो जो आप अमेरिका में क्या कहते हैं एग्रीकल्चरल इकॉनमी, ये एग्रीकल्चरल इकॉनमी हमारी। तो जनाब जिससे इस तरह की इकॉनमी होगी उधर क्या होगा? उधर ट्रैक्टर का इस्तेमाल होगा। ज़राअत ट्रैक्टर के बगैर तो नहीं हो सकते ना, समझ रहे ना? जी जी। तो उधर ट्रैक्टर का इस्तेमाल होगा। लो जनाब हमारे पेंडू जो है उसको आप ट्रैक्टर दें, वो ट्रैक्टर से वो काम निकालता जिसका ज़राअत से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब मजे पैसे तो दूर की बात है। जी जी हाँ। वाह 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 जी जी, क्या जबरदस्त मंजर है अमीर अली साहब। हाँ जी बहुत, क्या गजब का मंजर है ईमान से, इस नजर घड़ी की घड़ी रह जाती है। पाकिस्तान है इतना ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। अब ये है कि जनाब जी ट्रैक्टर जब ये इस्तेमाल करेंगे कि उसमें जी बरातें जा रही हैं उसकी ट्राली में, फिर जनाब उन्हें ख़राब होने, जब ख़राब होएगा तो जनाब जी फिर किधर आती है इंडस्ट्री, कौन सी आती है विचकार? स्पेयर पार्ट इंडस्ट्री। उधर पुर्जे ख़राब होंगे, पुर्जे ख़राब होंगे, आपको पुर्जे बदलने पड़ेंगे। अब जनाब हाँ की हो है? वो मटन चौंप मटन चौंपों का मसाला चख लें आके। हाँ मैं चाख ही लाना। ये पिछली बार इसने मटन चांपा के मसाला जो है इतना तेज कर दिया ईमान से कि मैं बाद में फिर नहीं खाएगा कि मेरा शुगर इतना ऊपर अप हो। बॉस मैंने नहीं किया था वो। हाँ तू नहीं डाला, मैं अभी जरा चख के आया जी चंपस का मसाला, और बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा कि स्पेयर पार्ट इंडस्ट्री जो हमारे ज़राअत में ट्रैक्टरों की जो स्पेयर पार्ट के इधर जाना हो। घर चले आ लौट आके घर चले, यही तेरा तो देश है। पेड़ों से बरसती शाम लिए, कोयल से सुबह का नाम लिए, ये तेरा देश, ये तेरी जमी, गलियों कूचों की रेल पेल सब जो।
रोके 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 जीप रोके जीप रोके जीप रोके सॉरी एक्सक्यूज मी सैम चलो किधर रिलैक्स कोई जगह मिल जाएगी यहाँ जूनी मुझे वॉशरूम नहीं जाना तो तुमने क्यों रुकवाई है जीप क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम किधर जा रहे हैं एग्जैक्टली हम कहाँ जा रहे हैं यार हम घूमने जा रहे हैं जी वो तो मुझे नजर आ रहा है कि हम घूम रहे हैं लेकिन हम जा किधर आए हैं शॉन लिसन 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 स्टॉप इट मुझे याद है कि एक बार एक बाबा जी ने बताया था कि यहाँ पर करीब में एक पुराना म्यूजियम है वहाँ चले नॉट अ बैड आइडिया तुम्हें रास्ता आता है नो प्रॉब्लम रास्ता अभी पता चल जाएगा भाई साहब सुने 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 भाई साहब वो यहाँ पर कहीं पुराना म्यूजियम है वो कहाँ है क्या जी क्या आपने क्या बोला वो जहाँ पे पुरानी चीजें रखते हैं भाई अच्छा अच्छा जमुरत खाना जी 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 जमुरत खाना यहाँ से आगे जाए ना 2 किलोमीटर के रास्ते पर आपको हाँ। एक चाय की दुकान नजर आएगी अच्छा चाय की दुकान के साथ एक कच्ची सड़क है हाँ। जो 2 किलोमीटर घूमती है अच्छा उस सड़क पे आगे जाए तो एक छोटा सा आपको छोटी सड़क मिलेगी हाँ। छोटी सड़क मिलेगी उस सड़क पे आपको उससे एक और छोटी सड़क निकलती है जो आधे फुलनांग के रास्ते पर जमुरत खाना है बहुत आसान है आप पहुँच जाएंगे बहुत शुक्रिया शुक्रिया जी चले फिर चलो Adventure. Yeah. कौन आप बिल्कुल भी नहीं बदले थोड़ा सा मोटा हो गया हूँ कमजोर तो आप पहले भी नहीं थे हाँ अच्छे खासे बल्कि हो गए हैं बल्कि बूढ़ा हो गया हूँ बालों में सफेदी आ गई अच्छा तब तो आप बहुत खुश होते होंगे क्योंकि उस वक्त भी आप बूढ़ों की तरह मीठी और बातें करते थे तुम्हें याद है सब आप भी तो नहीं भूले मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे सॉरी आओ ना जंगल हाँ कितना कूल है ना चलो यहाँ चले लेकिन हमने तो म्यूजियम प्लान किया था यार मुझे ये ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है हम यही जाएंगे That's true. लेकिन हम वहाँ जाएंगे कैसे यार ये जूनी तुम घड़ी घड़ी प्लान चेंज करती हो ना मुझे इससे बहुत चिढ़ चढ़ती है रास्ता तो है तुम लोग वहीं खड़े रहो वाओ आओ Common sense. उधर चलते हैं। Let's run. Sam, are you okay? वैसे जंगल कितना खूबसूरत है ना? यार जंगल को छोड़ो
मैं तो कल रात से अमीर अंकल वाली स्टोरी के बारे में सोच रही हूँ। कोई कैसे किसी के लिए इतने साल इंतजार कर सकता है? यार मेरे लिए इससे ज्यादा सरप्राइजिंग बात ये है कि कोई इतने साल तक शादी कैसे नहीं कर सकता यार। इट्स सो अनबिलीवेबल ऑनेस्टली। तो इसमें क्या है, प्रीति जिंदा ने भी वीर ज़ारा में शादी नहीं की? कैम वो फिल्म थी और ऊपर से शाहरुख जेल में था, असल क्रेडिट तो प्रीति जिंदा को मिलना था। एग्जैक्टली। वैसे वो था भी तो शाहरुख, उसके लिए तो मैं भी बैठी रहूं। यू आर राइट। वैसे जोनी, क्या तुम भी कभी इस तरह करोगे जिस तरह प्रीति जिंदा ने किया, किसी का इंतजार? नॉट फॉर शाहरुख एट लीस्ट, ही इज नॉट माय टाइप। तुम्हारी टाइप क्या है? मेरे टाइप में तीन क्वालिटीज होनी चाहिए। वो कौन सी? पहली तो ये कि जब भी मैं उसे मिलूं या उसे देखूं तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाए। और दूसरी ये कि वो अपनी सक्सेस स्टोरी सिर्फ मुझसे शेयर करे। और तीसरी ये कि वो अपनी हर सक्सेस का क्रेडिट सिर्फ मुझे दे। और यहाँ कोई सिग्नल सिग्नल के प्रॉब्लम है? सिग्नल बॉस, मेरे तो अभी पूरे आ रहे हैं, देखे पूरे आ रहे हैं, गिनती अच्छे लगी। मैं तो बच्चों को यहाँ फोन कर रहा हूँ, किसी का भी फोन नहीं मिल रहा। जूनी बीबी और समय बीबी का भी नहीं मिल रहा ना? तो आप शॉन ब्रो को ट्राई करें ना। मैं क्या बक रहा हूँ, किसी का फोन नहीं मिल रहा। ओ माय गॉड, क्या हुआ? स्ट्रेंज। व्हाट? यार ये जो दरख्त है ये बाकी दरख्तों से डिफरेंट नहीं है? इस तरह की जगहों के बारे में एक मिथ है। हाँ। जब भी जंगल में कोई एक दरख्त बाकी दरख्त से फर्क होता है तो लोग उस पर कुछ भी बांध कर अपनी मन्नत पूरी करते हैं। रियली? That's amazing. I wish कोई मेरे लिए मेरा दुपट्टा है कहाँ by the way? Oh ho, यार वो ये है ना? Oh you got it? Yes. मैं बांध देता हूँ। क्या तुम दोनों फाड़ोगे क्या? यार फाड़ोगे? Zack, Sean. छोड़ो. Go Shawny. इसको दरख्त पे चढ़ना नहीं आता. Go Sean. Sean ध्यान से. शाबाश. गिर जाएगा, देख ले, वापस आ जा। Be careful. Good यार। उतरेगा कैसे? शॉन ध्यान से, ख्याल से। Careful. गिरेगा। Woo. मेरा ख्याल है अब चले। हाँ, let's go. Let's go. Thanks. बॉस, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे घने दरख्तों की वजह से ना सिग्नल्स का प्रॉब्लम है। मुझे कई जगह पता है जहाँ पे खड़े होके बड़ी मुश्किल से सिग्नल्स कैच करता है फोन। मैं मुन्नी आपा के फोन। ना 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 ना, ऐसे ही परेशान करेगा मुन्नी आपा को? तो अमीर अली के फोन से मैं मेहमान आया, उसके फोन से करेंगे? हैं, उसके फोन में क्या ऐसी खास बात होगी? जाके गड्डी काट, गड्डी में जाके जाके देखते हैं बच्चों को, गड्डी काट जाके बच्चों को देखते हैं। और मुन्नी आपा को ना कुछ कहना है, मैं परेशान होएगी। जी बॉस। हाँ सैम, शॉन, ज़ैक, यहाँ देखो सैम। पागल लग रहे हो तीनों, गुड थिंग। बस कर। हम 20 मिनट से कहाँ घूम रहे हैं? Guys, you know what? 4 बजे I was tying up my shoelaces. अब 5:30 हो गए। It means हमें 1.5 घंटा हो गया फिरते हुए। And I think we are lost. Oh my God, are you serious? यार हमारे पास सिर्फ 20 मिनट हैं। उसके बाद it will be complete dark here. हाँ, कितना मजा आएगा। 20 मिनट गुजरेंगे, उसके बाद अंधेरा हो जाएगा, it will be dark. और तन्हा जंगल में हम लोग। सैम तुम तो रोना बंद करो यार, सोच रहे कुछ। तुम लोगों में से किसी के सिग्नल्स आ रहे हैं? मेरे नहीं आ रहे। ज़ैक? मेरे भी नहीं आ रहे। तुम लोगों के नहीं आ रहे तो मेरे कैसे आ रहे? शॉन कुछ सोचो, रिलैक्स। सोचो यार, कॉन्सेंट्रेट। आइडिया, शाम को परिंदे शहर से जंगल की तरफ आते हैं। अच्छा। देखो परिंदे किस तरफ से वो रहे। ओ यस, वो रहे। फॉलो मी।
जरूरी नहीं है। ये जो जैक है ये इतना अक्लमंद है नहीं जितनी ऐसी बातें कर रहा है। I think we should try. I mean, हो सकता है सही कह रहा हो। कमिंग। That was close. शुक्र हम बाहर आ गए। अब क्या करना है? अब सीधा गेस्ट हाउस जाना है और कुछ भी नहीं। अब क्या करना है? Wait. Yay. Finally. Finally. ये चीज पहुंच गए। It was? Oh, I had a great fun. Seriously, it was a total adventure. Oh, सारा फिर तू किधर मेरे आले वाले सारी इधर आसपास फिरते रहे हैं किधर भी नजर नहीं आए तू मेरे आले दुआले पे मुझे तो ये आ गए बॉस बाबा और तुम किधर को बचे हुए थे हम तो तुम्हें ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए हैं बाबा वो असल में क्या असल में हम घूम रहे थे इतनी देर से घूम रहे थे मैं यहां फोने कर रहा हूं इधर सिग्नल नहीं आते कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं चलो एक तो ये मेरा बच्चा जो है ना इसको बस रोना सा आ जाता है दो मिनट ओ बेटे ओ बताना तो होता है ना समझियो मेरी बात तो मैं परेशान ना हूं तो और क्या हो चलो रोना बंद करो शाबाश बल्कि मुझे तो लगता है कि जूनी की पर्सनालिटी को देखते हुए वो खुद ही ना कह देगी इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम दादी जान आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठे रहते हैं हो नहीं पुत्र हमारा तो छोटा सा खानदान है, है? ये तो आंट गुआंट से लोग आए हैं नवी काकी को देखने वाव जूनी यू आर अ सेलिब्रिटी